अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल. मेरा नाम है दिवांश शेलावत एंड यू वॉचिंग लाइफ इज़ ऑसम यूट्यूब चैनल. क्या हाल है आप सबके? सामने आप देख सकते हैं वो मंदिर है वहाँ पे, और ये सामने जो है बेसिकली गाड़ियों की दुकानें हैं. और हम जहाँ आए हुए हैं, आज की जो फिल्म का हीरो है वो है ये गोल्ड्स जिम. ठीक है, चौधरी भारत सिंह मार्केट है ये, जो बेसिकली ये जो असेंबली थी पूरी बिल्डिंग है बेसिकली इसका नाम है. और ये हम जा रहे हैं अभी गोल्ड्स जिम द्वारका. ये बाहर एक भैया बैठे हुए थे, ये मुझसे पूछ रहे थे क्या काम है आपको. तो मैंने बोला जी वीडियो शूट करना है और परमिशन ले रखी है मैंने. अनिल जी जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ वीडियो शूट कर लें. मैंने कहा शुक्रिया सर, ग्राउंड फ्लोर से मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, आप बने रहें मेरे साथ. मेरे साथ चलिए, आइए मैं आगे चलता हूँ, आपको रास्ता दिखाते चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आएँ और देखते चलें. खूबसूरत जगह है, वेलकम टू गोल्ड्स जिम. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर था, आइए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं. फर्स्ट फ्लोर पे इनका सेटअप दिखाते हैं. बाहर रिसेप्शन है, फिर अंदर इनकी जो क्लासेस वगैरह होती है. इनके ट्रेनर साहब थे सुशांत जी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. अनिल जी जो मैनेजर है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. सुमित जी जो रिसेप्शन पे थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. इन्होंने मुझे बहुत वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, और वीडियो शूट करने की इजाज़त दी, और बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया. ये देखें आप, इनका पूरा खूबसूरत सेटअप है. लाइटें शाइटें इन्होंने ऑन कर रखी है. बाकी जब इन्होंने देखा मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इन्होंने मुझसे कहा आप रुके मैं और चमका देते हैं यहाँ पे, और लाइटें शाइटें ऑन कर लेते हैं. मैंने कहा सर ये तो बढ़िया हो गया. तो ये देखें, ये सुमित जी अभी अंदर से लाइट्स ऑन करके आए हैं. तो आप रौनक देखें, ऐसा लग रहा है दिवाली आज ही होगी, जबकि अभी तो हैं 10-12 दिन दिवाली के लिए. शुक्रिया सुमित जी लाइटें ऑन करने के लिए. ये देखें खूबसूरत गोल्ड जिम, तो बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे है, हर काफ़ी मुल्कों में इनके जो जिम्स हैं. तो ये सामने सुशांत जी भी आ गए हैं, तो उनका हम थोड़ा सा समय लेंगे, वो हमें गाइड करेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं. ये रिसेप्शन एरिया था, यहाँ पे वेटिंग एरिया है, बैठ सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए, और वहाँ पे अंदर जो है एक्सरसाइज वगैरह होती हैं. ये देखें आप, ये अखबार पढ़ रहे हैं सुमित जी, और साथ में एक और भैया बैठे हुए हैं. अभी बस मैं ट्रेनर साहब को कहूँगा कि आप प्लीज़ सुशांत जी आप टेक ओवर करें. और अच्छा हाँ, मैं उनसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये वाला फर्स्ट फ्लोर पे ही है. यहाँ पे ना जो क्लासेस होती हैं डिफरेंट और उनकी एक्टिविटीज़ है, आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. जुम्बा, साइकिलिंग, योगा, भांगड़ा, साइकिलिंग, योगा, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी. आइए अंदर की तरफ चलते हैं, और सुशांत जी से मैं कहता हूँ कि सर अब आप थोड़ा सा समझाएँ, आप थोड़ा सा बताएँ, ताकि जो है चीज़ें मज़ेदार हो जाएँ. हाई एवरीबडी, वेलकम यू ऑल टू गोल्ड्स जिम द्वारका. मेरा नाम सुशांत है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जिम का वो बैक्स है. यहाँ पे आपकी भंगड़ा क्लास, जुम्बा क्लास, साइकिलिंग क्लास और बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं जी. ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है, लाइटिंग वगैरह है, और एक बहुत स्पेशल चीज़ जो यहाँ होती है वो है एरियल योगा. आप लोगों ने एरियल योगा के बारे में सुना होगा, और मेन तौर पर वो सुबह के लिए हमारे जिम काफ़ी फेमस है. ये मशीनें सर कौन सी है, किस काम में आती हैं, थोड़ा सा बता दें. साइकिलिंग है सर, स्पिनिंग क्लासेस में यूज़ होते हैं. अच्छा, ये साइकिलिंग के लिए हो गया बेसिकली, कार्डियो हो गया बेसिकली. जी जी जी, ये वाली भी कार्डियो का ही हो गया सर. जी, वो जो एंड वाली है. ठीक है, तो जैसे कि सुशांत जी ने हमें बताया, बेसिकली ये फ्लोर उन्होंने हमें दिखाया, यहाँ पे जुम्बा क्लास है, साइकिलिंग जैसा वो बता रहे थे. तो आप यहाँ पे आके इनका ट्रायल सेशन ले लें, या यहाँ पे आप गोल्ड जिम का तो ब्रांड है अपने अपने अंदर ही, ये बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ से आप निराश होकर वापस नहीं जाएंगे, इस बात की तसल्ली आपको पक्का मैं दे देता हूँ. वॉशरूम एरिया है, यहाँ से हमारा लोकल एरिया शुरू हो जाता है, ताकि कोई भी मेहमान जमाना है वो अपना सामान ले सकते हैं. कितने लॉकर्स हैं सर टोटल अंदाजा? अच्छा, सारे 68 समथिंग. ओके, ठीक है सर, उसमें लॉक्स तो वो तो इंडिविजुअल है ना अपने. इसके जो जिम के मेंबर नहीं है वो भी आके पेमेंट बेसिस नहीं है, जो मेंबर्स हैं वही कर सकते हैं. बाकी जैसे मैंने आपको ज़ुम्बा क्लासेस वगैरह दिखाई थी, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री है जो मेंबर्स आते हैं. ठीक है सर, तो ये हमारा सोना एरिया है, सोना रूम है, ये हमारा स्टीम रूम है. ठीक है सर, ये मैं वॉशरूम दिखा दूँ आपका? हाँ, ये भी वॉशरूम ही है सर? हाँ सर, वॉशरूम. ठीक, ये हमारा मेन फ्लोर है. आइए आप दिखा दो. इधर से एक साइड से जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा सेक्शन हमारा लाइफ सेक्शन है. ओके सर, मैं एक बार कवर कर लेता हूँ सर.
ये वाला जैसे काफ वगैरह के लिए, ये हैमस्ट्रिंग के लिए। हाँ ये थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिए बस हल्का। ये हैमस्ट्रिंग के लिए फ्लैट फुट का बैक पार्ट, ये हमारा एक्सटेंशन है। ठीक है ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि हमारे जिम में तीन लैग प्रेसेस हैं। ये डेडलिफ्ट वगैरह के लिए वही है। आप इसको स्क्वाट्स कर सकते हो, लैग रैक पुल कर सकते हो, डेडलिफ्ट के लिए पूरा प्लेटफॉर्म है। ये किसी सी मशीन है? अच्छा ग्लूट्स। एक्शन और एब्डक्शन। ठीक है सर, थोड़ा सा ये भी दिखा दीजिए सर। ये हमारा कार्डियो सेक्शन है, एक सेक्शन हमारा दूसरी साइड भी है जी। ये वाली दोनों मशीन किस चीज़ की है सर? ये लैग प्रेस मैंने आपको बताया ना। अच्छा हाँ करेक्ट। 1, 2 और 3 तीन तीन है क्योंकि इनका ज़्यादा भीड़ होती है। ठीक है, प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं जी। अभी फ्री वेट एरिया देख सकते हैं पहले। हाँ जी, कितने से कितने वेट्स हैं सर, मतलब अंदाजन कहाँ से शुरू है? हमारे पास 5 pounds से शुरू है। अच्छा। और मैक्सिमम हमारे पास 125, ये सारे बड़े बड़े डंबल। अच्छा, पाउंड्स मतलब केजी में कितना हो गया? 125 मतलब आप लगा लीजिए अगर 10 पाउंड्स का डंबल है तो 4 kgs का होगा, तो लगभग आधा होता है जितना पाउंड होगा। मतलब केजीज में मैक्सिमम कितना हो गया? 125 पाउंड बोले तो आपका 125 हो गया 6 kgs। ठीक है सर जी, एक साइड से चलिए सर मतलब थोड़ा सा ना जी। ठीक है सर जी, दो फ्लैट है यहाँ पे, ओपन वाले एक नॉर्मल फ्लैट भी है, मतलब एडजस्टेबल बेंचेस भी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इंक्लाइन, वो इंक्लाइन, इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हो जी जी। फ्लैट है ठीक है सर। एक फीचर हो गई। अच्छा फीचर सर, राइट। ये हाइपर एक्सटेंशन बेंच है, सब लोग बैठ के यूज कर सकते हैं, साइड्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। इस मशीन का क्या नाम बताया आपने? स्मिथ मशीन। स्मिथ मशीन, ओके सर। ये जो पूरा एरिया है हमारा अपर बॉडी एरिया है, अपर बॉडी एरिया के सारे मसल्स आप ट्रेन कर सकते हैं। सामने मेन बड़े वाला कार्डियो सेक्शन है, आपको यहाँ से शुरुआत करना है। हाँ जी सर जी। ओवर हेड शोल्डर मशीन है, शोल्डर्स के लिए, एंड शोल्डर के लिए, शोल्डर के लिए। ये किस चीज़ के लिए? लैटरल शोल्डर, शोल्डर मशीन। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। छोटी केबल है, एक हमारी बड़ी बड़ी केबल इस साइड भी है, आप इधर से देख सकते हैं। कुछ ऐसे मशीन जैसे जिम में ज़्यादा क्राउड रहते हैं तो क्राउड को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए हमने दूर रखा है। इसी प्रकार लैट पुल डाउन पर काफ़ी क्राउड होता है तो वो भी हमारे पास दूर है। ये बैक की एक्सरसाइज होती है। ओके सर। एक और लैट पुल डाउन ये वाला। ठीक है सर। अच्छा चेस्ट के लिए होती है ना? ट्रिचुअल मशीन मैंने आपको बताया कि केबल वाली आप रोइंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं सर। ठीक है सर। ये स्पार्क ट्रेनर है, ये आमतौर पर हमारे रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, वो जो है आर्क ट्रेनर्स हैं, ये स्पार्क ट्रेनर है, ये वाले भी आर्क ट्रेनर है, ये साइक्लिंग्स हैं, ये वाले सारे आर्क ट्रेनर हैं, कुछ उस साइड के कुछ इस साइड है। अच्छा स्टेप वाला, सीढ़ियों वाला। ओके सर। ये अभी सुशांत जी ने हमें सेकंड फ्लोर दिखाया बेसिकली, यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स आपने देखे हैं। ठीक है, सारे कंप्लीट हाईटेक, बेहतरीन हाइजीन है, बिल्कुल साफ़ सफाई है, इक्विपमेंट बिल्कुल क्लीन है, किसी पे कोई स्वेट कोई पसीना नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। वक्त भी मैं इस जिम का बताते चलूँ, सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यहाँ पर आप कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये टेरेस पे हमारा क्रॉसफिट एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने क्रॉसफिट का वर्कआउट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो क्रॉसफिट की यूज होंगी, जैसे कि ये रोप, बैटिंग रोप, स्लैच, इसका आप बैटिंग रोप कर सकते हो, स्लैच की एक्सरसाइज कर सकते हो, टायर है, हैमर है, और फिर एक पूरा मल्टी बार है। अच्छा सर, काफ़ी कुछ कैलिस्थेनिक्स वगैरह का हो सकता है, पंचिंग बैग है,
वहाँ पे किकिंग के लिए भी है, सामने बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, मतलब आप आराम से अपना वर्कआउट कर सकते हो। देखो गर्मियों में यहाँ पर 8-9 बजे के बाद ज़्यादा लोग नहीं आते, लेकिन सर्दियों में ये पूरे टाइम भरा रहता है क्योंकि लोगों को धूप भी मिलती रहती है और आराम से यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं लोग। जी सर, ये वाले के बारे में हाँ थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे केबल रखती है नीचे। अच्छा अच्छा ओके, वही वाली है, अगर किसी को यूज़ करना हो तो वो यहाँ भी आके यूज़ कर सकता है। बारबेल्स रखी हैं, प्लेट्स रखी हैं, तो सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। आपने फर्स्ट फ्लोर देख लिया, आपने सेकंड फ्लोर देख लिया, ठीक है, ये टॉप मोस्ट फ्लोर है। बीच में एक फ्लोर और था फर्स्ट और सेकंड के दरमियान, वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आइए नीचे सर से मिलते हैं और रेट्स वगैरह की जानकारी ले लेते हैं सर से। हाय, ये हमारा लीफलेट है, देख सकते हैं, ये जितनी भी है ये हमारे इंडिया में ब्रांचेज हैं। ओके, और बात करें मेम्बरशिप की तो मैं आपके मंथली से स्टार्ट करता हूँ। इसे मंथली आप देख सकते हैं 7,080 rupees समथिंग। क्वार्टरली में आपके 12,980, ओके, और हाफ ईयरली में आपका पड़ जाता है 22,420। ठीक है सर, और ईयरली का हमारा पैकेज है 25,134। ठीक है, इस पे जैसा बता रहे थे दिवाली पे, इस पे 10% और ऑफ पड़ के वो मतलब अंदाजन 2,500 रुपये और सस्ता हो जाएगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर।